बीच में एक महिला भी है, आइए हमसे जानकारी लेते हैं। मैडम आपका नाम? प्रेमा देवी जी। प्रेमा देवी जी आप यहाँ क्यों आई हैं? हम यहाँ पे आए हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए कि हम प्रेरक हैं और हम 2011 से नियुक्त हुए हैं, और 2011 से नियुक्त होने के बावजूद हमारी केंद्र सरकार भारत सरकार जो है मानदेय 2000 रुपये जो देती है वो अभी समय से नहीं देती है। तो हमारा जो पिछला मानदेय पड़ा हुआ है कम से कम 3 साल है मानदेय पड़ा हुआ है, 40 माह का 45 माह का मानदेय पड़ा हुआ है, वो हमारा एक मुफ्त मानदेय दे और हमारे मानदेय में बढ़ोतरी करे और हमको स्थायी रूप से कहीं लगा दे। हम लोग बेरोजगार हैं तो हम रोजगार चाहते हैं और कार्य चाहते हैं। कार्य जो भी देती है करते हैं और आगे जो भी देगी हम करेंगे, और अगर सरकार हमारे साथ हमारा अन्याय करती है तो हम सरकार के विरोध में रहेंगे। और ये 100% है कि 19 का चुनाव अगर हमको हराती है सरकार तो हम भी हराएंगे सरकार को और हारेगी सरकार, ये दावा है और कसम है। और हमारी मातृशक्तियों से हम वादा करेंगे और घर घर जाके हम लोग ये वहाँ प्रेरित करेंगे। और ये जो सरकार है इमोशनल भाषण देती है, जब चुनाव का समय आता है एक मीठी गोली खिला देती है और लोगों को वादों से मुकर जाती है, अपना काम निकाल लेती है। जनता अच्छी तरह से जान गई है, नीचे से लेकर ऊपर तक जनता परेशान है, कर्मचारी परेशान है और हम लोग तो बहुत ही परेशान है। 2000 रुपये में कैसे हम घर चला सकते हैं? सरकार को सोचना चाहिए। 2000 की ये लोग एक एक चाय भी लेते हैं और वो भी चाय इनकी नहीं होती है 2000 की, और 2000 में एक महीना हम कैसे चलाएं, और उसमें भी हमको 45-45 माह का मानदेय नहीं मिला हुआ है। इसीलिए हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे एकत्र हुए हैं। आपको जो वेतन मिलता है वो कैश मिलता है या बैंक के द्वारा मिलता है? सर पहले हमको बैंक के द्वारा मिलता था चेक से, और अब जो है हमको बैंक के द्वारा भी मिलता है, लेकिन दूसरे जैसे शिक्षा मित्रों को मिलता है उस सिस्टम से हमको मिलने लगा है, और पहले चेक के द्वारा जो है मिलता था चेक लगा।